हेलो, गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न। मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछाया हुआ है, इस पर मैं कपड़े से इसको इस तरीके से साफ कर लूंगी, जो इसमें रेशे रेशे होते हैं वो कपड़े पे लग करके आ जाते हैं। और थोड़ा सा इसको जो इसमें मेरे को खराब लग रहा है या बेकार सा है वो हटा दूंगी, और इसमें से वो रेशे भी सारे हटा दूंगी मैं। और ये करने के बाद में मैं इसको अच्छे से वॉश भी कर लूंगी। यहाँ पर मैंने भगोने में इसको ले लिया है और पानी डाल दिया है। चाय वाली छन्नी से मैं इसको कर रही हूँ। इसमें छोटे छोटे से जो रेशे होते हैं वो पानी में आ जाते हैं, तो मैं इसे निकाल लूंगी इसको। और इसको निकालने के बाद में भी मैं इसे बड़ी छन्नी में रखूंगी। एक्चुअली क्या है ना, खातों में मैं तो इसको ऐसे भी खा लेती हूँ, लेकिन इनके मुंह में जब ये आते हैं छोटे छोटे रेशे, कहते हैं कि मेरे को ये परेशान करते हैं, तो इसलिए ये निकाल करके किया करो। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी निकाल दिया है और मैं इसको ये जो बड़ी वाली छन्नी होती है इसमें इसको डाल दूंगी। और डालने के बाद में एक बार और पानी से मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है और फिर इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। ये बिल्कुल साफ हो चुके हैं, कुकर में मैंने इसे डाल दिया है बॉईल होने के लिए। और इसमें डाल दूंगी मैं नमक साथ में, और 1 से 2 सीटी इसमें लगानी होती है। मैं इसमें 2 लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये थोड़े से पके हुए लग रहे हैं और मंडे को मैंने लिए थे ये निकले हुए दाने। पानी डाल दिया है मैंने इसमें और साथ में डालूंगी इसमें नमक, और ढक्कन बंद करके इसको 2 सीटी में लगाने के लिए रख दूंगी। और जैसे ये बॉयल हो जाएंगे उसके बाद में आप चाहें तो ऐसी नमक मिर्ची डाल के खा सकते हो। मैं इसमें तड़का लगाऊं, तड़का क्या, फ्राई कर दूंगी इसको। बॉयल स्वीट कॉर्न को जो है मैंने ये उबाले हैं, इसमें मैंने देसी घी में लगा रही हूँ। आप चाहे तो मक्खन में, जो आपके घर में अवेलेबल हो इसमें आप लगा सकते हो। तो देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है और ये गरम हो चुका है। और इसमें मैं और कुछ नहीं डालूंगी ऐसा, बस डायरेक्ट इसमें मैं अपने ये मक्के के दाने डाल दूंगी। और मक्के के दाने डालने के बाद में 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही चलाना है और फिर इसमें मसाले डाल दूंगी। ये मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, आप जिस तरीके से खाते हैं आप उस तरीके से बनाइए। मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। और इसे मैं प्याज टमाटर में भी फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन सावन चल रहा है तो प्याज अभी अवॉइड करते हैं, इसलिए प्याज नहीं खा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैंने सिंपल इसको इसी तरीके से फ्राई किया। इसमें डालूंगी मैं अभी हल्का सा नमक, अगर आपको कम लगता है, वैसे तो उबालते वक्त हम डाल देते हैं। इसमें लाल मिर्ची डाली है, मैंने हल्का सा नमक डाला है, और धनिया डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी। और यहाँ पर इसको फिर से मैं चला दूंगी। आप चाहें तो इसको ढक सकते हैं, ढक करके 2 से 3 मिनट इसको रख दीजिए, फिर देख लीजिए अगर आपको ये कच्चे लगते हैं तो। ढकना, वैसे मेरे ये पूरे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं तो मुझे इनको ढकने की जरूरत नहीं थी। और इसमें गैस बंद करने के बाद में, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, मैंने इसमें डाला है नींबू, और बस अभी हो गए तैयार। और इसको मैं पहुंचा दूंगी दुकान पर। यार ये ले, चल उसके मैं चल तो रहा हूँ, चलो चल बाहर। क्या रे, अरे पूरा कैप्चर कर रही हो ना, आपको वरना ब्लॉग अधूरा रह जाएगा। अच्छा ब्लॉग अधूरा रह जाएगा, नौटंकी दीदी भी बैठी हुई है यहीं पे। हेलो, कैसे हो सब लोग? और आज 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 है थर्सडे और डेट क्या है आज, 18 टाइम हो रखा है रात के 9:15, और मैं अभी हूँ दुकान पर। मैं आ नहीं पाई थी एक्चुअली, पूरे दिन नहीं आई थी, तो अभी मैंने कहा घूमने के लिए चले जाती हूँ, उसे रात को मना करते, लेकिन पास में ही है तो इसलिए मैं आ गई। और जो आज मैंने वीडियो डाली थी अपनी,
कौन से वाली, जो मैंने होम्योपैथिक वाली आप लोगों को वीडियो डाली है। मैं सबको एड्रेस दे सकती हूँ, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि देखो आप ट्रीटमेंट लो उनसे, लेकिन लगना ना लगना वो आपके ऊपर है, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत में कभी कभी कहीं का भी कुछ भी लग जाता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी मेडिसिन कराई है और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को कराई है, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है होम्योपैथिक वाली, बिल्कुल भी स्पेशलिस्ट इन द सेंस कि ये गायने ही नहीं है, ये सब चीजों की दवाइयां देती है। तो कल को प्लीज मुझे ये मत बोलिएगा कि हम लोग तो वहां गए थे ऐसा हुआ वैसा हुआ। और सेकेंडली वो जो है अभी अपनी आई थिंक स्टडी भी कर रही, ट्रेनिंग भी ले रही हैं और ये ट्रीटमेंट भी देती हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। मुझे एड्रेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एड्रेस मैं पहले भी दे चुकी हूँ एक वीडियो में, जिसमें इनकी होम्योपैथिक पथरी वाली दवाई हमने ली थी, उसके लिए मैं एड्रेस दे चुकी हूँ। और थर्ड, हाँ थर्ड ये कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलती है, वो भी रात को 7:30 से 9:30 बजे तक, कभी 9 बजे तक भी 1.5 घंटा, क्योंकि मेरे तो यहाँ नियर बाय हैं तो मैं चली जाती हूँ। आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती तो मैं पहली वाली वीडियो बनाती ही नहीं और आप लोगों को बताती ही नहीं कि मेरा ऐसे हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है जो कि सभी लेते हैं बच्चे के लिए, हर जगह से मैंने मथुरा से लिया हुआ है, मैंने गाजियाबाद से लिया हुआ है, मैंने दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ जिसने बताया वहीं से मैंने ट्रीटमेंट लिया है। और मैंने ट्रीटमेंट भी देखो 6-6 महीने और 1 साल कम से कम भी ट्रीटमेंट लिया है मैंने एक एक डॉक्टर से, लेकिन उन लोगों की मेडिसिन नहीं लगी। मैंने एग रिलीज करने के लिए इंजेक्शन मैंने बहुत लगवाए, क्योंकि हर डॉक्टर लगाती है अपना अपना ट्रीटमेंट अलग से देती है। और उसके अलावा जो उनके दूसरे इंजेक्शन्स होते हैं या मेडिसिन्स होती है, मैंने सारे टेस्ट हर जगह अलग अलग कराए हैं, और आकर के मुझे द मेडिसिन लगी तो इनकी, मैं ये भी नहीं कह सकती क्योंकि मैंने कंसीव करने की मेडिसिन्स नहीं ली थी, इन्होंने उसी में ही कुछ ऐड किया था या जो भी है, मैं आपको इसलिए क्लियर करके चल रही हूँ कि कल को प्लीज आप लोग मुझे मत बोलना। और मैं तो चाहूंगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे जिनको बेबी नहीं है, सबको उनकी मेडिसिन लग जाए। अगर आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं वो भी रात के टाइम, तो मैं आपको एड्रेस जरूर दे दूंगी, और वो भी मैं इस ब्लॉग में भी नहीं दूंगी, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। आप मुझे इस ब्लॉग में कमेंट्स करके बताना कि हाँ ठीक है दीदी कोई बात नहीं आप हमें एड्रेस दीजिए, क्योंकि मैंने जब पहले एड्रेस दिया था तो फर्स्टली कोई नहीं आया था, मैंने उनसे बात भी की थी, एक या दो लोग आए थे जिनको रिलीफ आराम हुआ था, उन्होंने किस चीज की मेडिसिन ली थी ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ होम्योपैथिक वाले सॉरी पथरी के बारे में बताया था मैंने। तो आप लोगों को चाहिए, मैं जरूर दूंगी एड्रेस, लेकिन आप लोग मेरे को इस ब्लॉग में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे मन में भी आया था, मुझे कितनों ने बताया कि इस डॉक्टर को दिखाओ उस डॉक्टर को दिखाओ, और मैंने वहां से ट्रीटमेंट लिया, जब मुझे आराम नहीं हुआ तो मुझे भी लगा यार मैंने बेकार किया या ये किया वो किया इस वजह से। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर की, अपनी वो वाली रिपोर्ट्स दिखा करके, और एक ने मुझसे साइज पूछा था तो मैं साइज भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी, मेरी सिस्ट का साइज क्या था, कितनी बड़ी सिस्ट थी वो, और सबसे बड़ी बात यार किस्मत और टाइमिंग बहुत बड़ी बात है, जब हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा। और आई होप मैं मतलब यही विश करूंगी कि जितने भी सब्सक्राइबर यार सब की झोली भर जाए, सबको अच्छे से एक बेबी एक एक एटलीस्ट जरूर आ जाए, तो ये बातें क्लियर करना मेरे को जरूरी था। आप इसमें चाहे गर्ल समझिए सही समझिए मेरे को ये बहुत, क्योंकि मैंने इनसे बात की और मैं अपने ब्लॉग में पहले इनसे डिस्कस करती हूँ फिर मैं ब्लॉग मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो इन्होंने भी यही बोला कि कोमल आप लोग पहले आप ना इन सबको क्लियर कर दो, क्योंकि सब लोग बहुत उम्मीदें लगा के आपसे पूछ रहे हैं, तो पहले ही क्लियर करना ज्यादा बेटर है, कल को कोई दिक्कत ना हो, कल को कोई बोले ना, क्योंकि जब हम बताते हैं उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर किसी को नहीं लगता है तो, क्योंकि और जो सब्सक्राइबर हैं वो कोई हिमाचल से भी है कोई उत्तराखंड से भी है बहुत सारे हैं। मैं कमेंट भी अभी क्या क्या रीड करके बताऊं,
तो फिलहाल तो यही इतना सारा बोल लिया मैंने, स्टार्ट कर गई। और प्रियंका ठाकुर जी, आपने मुझसे रिंग के बारे में पूछा था, ये जो कि मैं यहाँ पे पहन के रखती हूँ, कल की वीडियो में नहीं था, फिर भी आपने मुझे वहाँ पे कमेंट किया। ये दो रिंग है, एक नहीं है, ये दो रिंग है एक्चुअली। पहले मेरे को ये वाली रिंग में, एक मिनट गिर गई, ये वाली रिंग मेरे को लूज आती है, तो मैं इसीलिए दो रिंग ये एक साथ पहनती हूँ, दोनों का डिजाइन अलग अलग है। और मुझे इसी तरीके की रिंग पसंद है और यही है मेरे पास में जो मैं परमानेंट पहन के रखती हूँ। तो ये मैंने अभी दीदी से ली है, दीदी को दे रखी थी पहनने के लिए। तो ये आप देख सकते हो डिजाइन, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीधे छल्ले के जैसी है ये। अब आपको बनवानी हो तो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर बात करते हैं। हेलो सबको, हेलो सबको, जितने भी हमारी फैमिली है, जितने भी सब्सक्राइबर हमारे, उनको सबको हेलो है। नहीं हिल रहा, नहीं फोन भी हिल रहा है। अच्छा धीरे, सॉरी अब नहीं लेगा बस, ठीक है अब नहीं हिल रहा, देखो ना अब नहीं हिल रहा ना। सब लोग बोलेंगे ये ना इनकी बीवी ना, जब भी ये फोन लेके बैठते कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कैमरा हिला रहे हो, होपलेस हो रहे हो, ये हो रहे हो। जब यार नहीं बोलना आता तो नहीं बोलना आता, होपलेस होता हूँ तो होता हूँ, मैं क्या करूँ। होपलेस नहीं हो रहा होता तो मेरा 7 साल पुराना चैनल है वो ना चल मोनेटाइज हो गया होता, अब तक ऐसी पड़ा है। बोला है उसको हिल रहा है, फोन हिल रहा है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। हाँ होपलेस नहीं होता तो वो चैनल पे वीडियो ना बना लेता, मैं ब्लॉग ना बना लेता, उस पर इतनी सारी मैंने वीडियोज डाल रखी है कुछ डांस की, लेकिन ब्लॉग की नहीं डाल रखी, उस पर एक दो ब्लॉग भी डाल रखे है। तो आप उसको ब्लॉग देखोगे ना आपको हंसी आएगी कि बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, फोन को ले लेके इधर अच्छा घबरा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा यार, थोड़ा सा डर होता है औरतों के अंदर। एक सर्वे दिखाया था कि अखबार में भी आया था, लेडीज मेंस के मुकाबले में 17 गुना ज्यादा बोलती है, मतलब 300 गुना ज्यादा, यानी एक आदमी एक दिन में 1300 वर्ड बोलता है तो लेडीज 3000 वर्ड बोलती है एक दिन में, सोचो 1700 वर्ड ज्यादा बोलती है भी। चलो कोई बात, अच्छा यार सबको मैंने हेलो अलग बोला और एक हेलो हाय सोचो किसके लिए है, सोचो सोचो सोचो, नहीं याद आया मैं बताता हूँ। कल एक कमेंट आया था ज्योति सरसिया का, ज्योति सरसिया का एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि भैया आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत क्यूट कपल हो, बट आप कभी मुझे हाय नहीं बोलते, मुझे हेलो नहीं बोलते। तो यार ज्योति सिर्फ बस तुम यार नाराज मत हो, मैं आपको क्या कईयों को हाय नहीं बोल पाता हूँ और याद भी नहीं रख पाते हैं, अब यार बिजी हो जाते हैं ना थोड़ा, और ब्लॉग भी 10 मिनट का बनाना है, ज्यादा बड़ा ब्लॉग बनाते नहीं हम, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, और ज्यादातर ब्लॉग तो वही बनाती है, मैं तो बनाता ही नहीं। अब वो भी दुकान पे कम आने लगे, वो सिर्फ शाम को आधे घंटे के लिए आती है बस। देखो ये देखो मैंने इनकी टी शर्ट हथियार रखी है, तो सारे मेरे कपड़े हथियार और कुछ नहीं है बस, मैंने इनको भी हथियार रखा यार, तो टी शर्ट तो हथियार ही बनती है ना। और फिर मैं बोल रही हूँ हाँ, चार पांच दिन और पहन सकती हूँ यार, फिर कहाँ पहनूंगी। पता है अब लोग नहीं जा रहे ना, सब लोग सोचते हैं एडमिट हो गई, अब तो मतलब एक दिन लेट करते हैं ब्लॉग डालना तो सबको ये लगने लगता है यार ये तो एडमिट होने के लिए गई, एडमिट होने के बाबू आ गया, बाबू आ गया। यार जब बाबू आएगा तो चिंता मत करिए, ब्लॉग तो आ जाएगा, एक ब्लॉग में डाल दूंगा, ऐसे मैं डाल दूंगा सिंपल से बनाकर मैं डाल दूंगा, भैया एडमिट करवा दिया, मैं ज्यादा कुछ एडिट वगैरह कुछ नहीं करा रही हूं, आप लोग आके संभाल लो। नहीं मैं ज्यादा कुछ एडमिट बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, एडमिट हो गया मैं यार डाल दूंगा उसके अंदर, या फिर तुम्हारा उस पर डाल दूंगा ना टाइमलाइन पे, उसको बता देना कैसे डालते हैं, उस पे आधे लोग देखते हैं आधे नहीं देख पाते हैं वीडियोस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। तन्नू भी बोल रही है मैं मौसी कोशिश करूंगी बनाने की, ये भी बोल रहे हैं अगर इन लोगों से नहीं बना तो नोनी से बनवा दूंगी, टेंशन ना लो ठीक है। चलो पहले तो हाई कर,
ज्योति सरेसिया को हाय हेलो कैसे हो, उसका हैप्पी बर्थडे, उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दो, जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है उसको मैरिज एनिवर्सरी, या सबका हो जाता है वो ना डेट वाइज नहीं बोल पाते। ठीक है साढ़े नौ हो गए, बाय। इन्होंने डिनर कर लिया है? हाँ मैंने डिनर कर लिया, सच में कर लिया, अभी यहीं पे करा था। मैंने नहीं किया है, मत करो, क्या जरूरत है, अभी शाम को खाएगा। बाय। डांट रहे हैं, देखा आपने अभी ये मुझे डांट रहे थे, और ये देखो मैंने चिड़िया बनाई हुई है। तो बस यही है आज का छोटा सा व्लॉग, व्लॉग क्या, बस आप लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच जाती है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं अभी एडमिट नहीं हुई हूँ, जब एडमिट हो जाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और फिर प्लीज 15 से 20 दिन का मैं रेस्ट भी लूंगी तो उसमें वीडियोस नहीं आ पाएंगी, छोटी छोटी सी वीडियो आप बना के डाल देना ना 5 से 10 मिनट बाबू की। तो बस अभी दुआ कीजिए, और जिसको बेबी नहीं है उसके लिए भी हम लोग, मैं इस टाइम पे तो हमेशा बोलती हूँ, सच्चे दिल से बोलती हूँ यार सबको हो जाए। तो चलिए जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, बोरिंग लगे तो वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोग और भी देख पाए हमारी वीडियोस को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और बोलिए सब्सक्राइब भी करना है भाई, सावधान रहिए, सतर्क रहें, सतर्क रहिए, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही तुरंत वीडियो देखिए। नहीं यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इतना मेरे को, मेरे लिए बहुत है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।